जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय व तहसील न्यायालय जावद मनासा और रामपुरा में वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत खुद्दार के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। नेशनल लोक अदालत के लिए 16 खंडपीठ का गठन किया गया था, जिसमें न्यायालय में लंबी 4374 और प्लिटिगेशन के 4103 समझौता योग्य मामलों का निराकरण किया गया, जिनका निपटारा होने पर कोर्ट फीस वापस देने के साथ ही पौधे भी भेंट किए गए। विद्युत विभाग, जलकर विभाग और संपत्ति के प्रकरणों में शासन द्वारा निर्धारित छूट दी गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी हर्षित बिसेन ने बताया कि लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय में 8, जावद में 4, मनासा में 3 और रामपुरा में 1 खंडपीठ गठित की गई थी, जहां समझौते के आधार पर राजीनामा योग्य, लंबित व प्रीलिटिगेशन के मामलों का निराकरण किया गया। हरेक खंडपीठ में एक सलाहकर्ता सदस्य की नियुक्ति की गई। जिला मुख्यालय पर शनिवार को सुबह 10:30 बजे एडीआर भवन में विधिवत नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया था। इसके बाद नेशनल लोक अदालत शुरू हुई। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से लंबित प्रकरणों में से आपराधिक प्रकरण 1206, परक्राम्य अधिनियम 1571, विद्युत संबंधी 222, क्लेम संबंधी 168, वैवाहिक 208 व अन्य सिविल 538 व 460 केस शामिल किए गए थे। इस प्रकार के लिटिगेशन प्रकरणों में बैंकों के 3063, विद्युत के 2089, बीएसएनएल के 231, जलकर के 239, संपत्ति के 281 प्रकरणों को लोक अदालत में रखा गया। लोक अदालत के माध्यम से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया।